दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन चंद्र भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube मंच भारती की बात में। मैं अपने मुद्दे पे आऊं उससे पहले आज का जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैं आपको बता दूं। हरियाणा में जो सरकार चल रही थी मनोहर लाल खट्टर जी की और दुष्यंत चौटाला के JJP पार्टी के साथ जो गठजोड़ होकर के जो सरकार चल रही थी वह गठबंधन टूट चुका है। मनोहर लाल खट्टर जो है वहाँ पे इस्तीफा दे चुके हैं, उनके साथ में सारे कैबिनेट के मिनिस्टर जितने भी हैं सारे इस्तीफा दे चुके हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि शाम 5 बजे फिर से नए मुख्यमंत्री या फिर पुनः मनोहर लाल खट्टर को ही वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जो JJP साथ में चल रही थी गठबंधन में वो अब अलग हो चुकी है और इन्हें जो है क्योंकि इनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, इन्होंने निर्दलीय को अपने साथ में लिया है। और शायद JJP के 10 विधायक थे उनमें से 4 या 5 विधायक BJP में आने वाले हैं। तो आज की ये बड़ी खबर थी। कल शाम में दोस्तों CAA के ऊपर नोटिफिकेशन आया था और जैसा कि आप जानते हैं वो दिसंबर 2019 में CAA के ऊपर संसद CAA का जो कानून है संसद से पारित हो चुका था, पर ये 4-4.5 साल के बाद कल शाम में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मतलब ये कानूनी तौर पर कल से ये लागू हो चुका है पूरे भारतवर्ष में। और ये 4.5 वर्ष लगा क्यों लागू करने में, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बंगाल में, असम में, दिल्ली के शाहीन बाग में इसके ऊपर जो है बहुत सारे धरने प्रदर्शन और विरोध वगैरह हो रहा था, जिसके वजह से सरकार इसे नहीं ला रही थी। पर अब ये चुनाव का समय आ चुका है और आप सोचने के लिए स्वतंत्र हैं कि यह लाने से फ़ायदा हो सकता है सरकार को या नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे मतलब जो विपक्ष का बोलने का जो बोलते हैं वो लोग विपक्ष जो आरोप लगाते हैं कि इससे ध्रुवीकरण होगा। तो खैर CAA के ऊपर हम बात कर लेंगे, उससे उसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे, क्योंकि एक पुराना मुद्दा है ये। 2019 में भी इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी है, 2020 में बातें हो चुकी है। इस उससे ज़्यादा बड़े मुद्दे जो कल के डेट में और था, जो सुप्रीम कोर्ट में SBI को लेकर जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुनवाई चल रही थी उसके ऊपर जो फैसला आया था और बहुत ही कड़ा सख्त और निर्देश दिए गए थे, आदेश दिए गए थे, यहाँ तक भी कहा गया था कि सब आज 12 मार्च तक, 12 मार्च की शाम तक अगर SBI इलेक्शन कमीशन को ये सारे इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े मुहैया नहीं करवाते हैं तब जो है SBI के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और SBI के चेयरमैन के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा। तो इस ये वाला जो मुद्दा था मेरे हिसाब से इस पर बातें ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर कल के सब शाम में जो प्राइम टाइम के डिबेट्स होते हैं सुबह से शाम 5 बजे से 8-9 बजे तक किसी भी चैनल्स पर इस बारे में बात करते हुए किसी को देखा नहीं। इसे गोदी मीडिया कहते हैं। मतलब कल तो ऐसा मुझे हंसी भी आ रही थी कि शाम में 5 बजे, जो कि देश में जो बोला जाता है ये चैनल सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है, उसमें दो मोहतरमा आती है शाम में 5 बजे, एक आती है दंगल लेकर और दूसरी 6 बजे आती है हल्ला बोल लेकर। मैं उन्हें देख रहा था कि मैं देखता हूँ इतने बड़े जो ये फैसले आए हैं, महत्वपूर्ण फैसले आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, इसके ऊपर ये आज चर्चा करती है कि नहीं करती। जब मैं 5 बजे जब इनका चैनल खोलता हूँ तो देखता हूँ कि ये बोल रही हैं आज प्रधानमंत्री कुछ बड़ी घोषणा करने वाले हैं, कुछ देश को संबोधित करने वाले हैं। अरे करने वाले हैं, जब करने वाले रहेंगे तो आप उसको लाइव दिखा देना। लेकिन जो उससे 2-4 घंटे पहले की जो बड़ी खबर देश की थी उसके बारे में तो आपको बताना है, उसके ऊपर चर्चा डिबेट तो बुलानी थी आपको। लेकिन इनको पहले से मालूम था कि उस मुद्दे के ऊपर हमारे चैनल पे बात आज नहीं होनी है तो नहीं होनी है, मुझे जो है ये वाला मुद्दा पकड़ के रखना है। तो मैं 5 से 6 और 6 से 7 मैं दोनों मोहतरमा को देखा, किसी ने इस विषय पे बात नहीं की। खैर जाने देते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा था, एक भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, अनंत हेगड़े नाम है उनका, कर्नाटक से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और 4-5 बार वहाँ से MP हैं, वो 4-5 बार से हैं। तो उनका एक बयान आया है और वह मैं अक्षरशः आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने बोला क्या था और उसके बाद में जो है फिर विपक्ष की पार्टियाँ जो थी वो उन्होंने क्या क्या इसके ऊपर इसके विरोध में बोला है वो मैं थोड़ा आपको पहले अनंत हेगड़े जो बोले हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ।
अनंत हेगड़े ने कहा है कि संविधान संशोधन के लिए भाजपा को 2/3 बहुमत देना होगा। हेगड़े ने कहा, अब की बार 400 पार। 400 पार क्यों? राज्यसभा में हमारा 2/3 बहुमत नहीं है, राज्य सरकारों में पर्याप्त बहुमत नहीं है। संविधान संशोधन करने और कांग्रेस द्वारा इसमें की गई विकृतियां हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। साथ ही 20 से अधिक राज्यों में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। इनका कहने का ध्येय, इनका कहने का मतलब ये है, अभी भी 303 इनके अपने खुद के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी भी संविधान में जो संशोधन करना होता है वो होते हैं। और संविधान कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि एक बार जो लिखी गई है वो अनंत काल तक लिखी रहेगी, समय के हिसाब से उसमें संशोधन होते आए हैं। इससे पहले जो कांग्रेस की पार्टियां थी, जो सरकार सत्ता में रही 50-55-60 वर्षों तक, उन्होंने भी संविधान में संशोधन किए हैं। आने वाले जितने भी सरकारें होंगी, समय समय पर संविधान में संशोधन होंगे। लेकिन इनका जो थे बोलने का जो समझ में आ रहा है कि हमें 400 दे दीजिए या 400 के पार दे दीजिए, तो पता नहीं संविधान में संशोधन करना है या फिर संविधान ही बदल देना है, जिस तरह की इनकी मंशा जाहिर हो रही है, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी जो है इनके बयान से अपने आप को अलग किया है। उनके एक प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने लाइव टीवी पर बोला है कि ये उनका अपना निजी राय हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की ये राय नहीं है। आइए सुनते हैं उनको, वो क्या बोल रहे हैं। बड़ी स्पष्टता से हम ये कहना चाहेंगे, वे पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, पर पार्टी ने इस बयान का संज्ञान लेकर उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा। और अनंत हेगड़े के इसी बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया है, उसे भी सुन लेते हैं। जो देश में चल रहा है और उसका मकसद भारी बहुमत लेने का, संविधान बदलने का ही उनका इरादा है। देश को आजादी दिलाने में इनका कोई योगदान नहीं है, इन्होंने कभी कोशिश नहीं की, इन्होंने तिरंगा झंडा को भी अपोज किया। राहुल गांधी का ट्वीट आया है, राहुल गांधी के ट्वीट को मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुनाऊं। बीजेपी सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए, नरेंद्र मोदी और संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का यह ऐलान है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी का अंतिम लक्ष्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज बांटना, मीडिया को गुलाम करना, अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं। हम आजादी के नायकों के सपनों के साथ षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यह राहुल गांधी जी का ट्वीट था उनके बयान के ऊपर। दोस्तों, मुझे इसी विषय पर आज बात रखनी थी कि ये इस तरह के नफरती बयान, या फिर हमको अभी भी तो उनके पास बहुमत है, और मैं जैसा कि आपको बताया कि सरकारें होती है और संविधान जो है, संविधान ठीक है लिखी गई है 1947 में, लागू हुआ है 1950 में, पर समय के साथ उसमें बदलाव, उसमें संशोधन ये होते हैं, होते रहेंगे। पर इस तरह का बयान देना, और शायद ये बयान जो है खुद भारतीय जनता पार्टी को भी पसंद नहीं आई, इसके लिए से उन्होंने अपने आप को उनके बयान से अलग किया है। लेकिन ये कर्नाटका के बहुत ही फायर ब्रांड नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अनंत हेगड़े इनका नाम है, और कई बार से ये सांसद वहाँ पर चुने जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इसी विषय पर बात रखनी थी, और इसमें मेरी अपनी कोई अपनी राय और अपनी बात तो थी नहीं। उन्होंने जो बोला और विपक्ष की जो पार्टियाँ थी, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे और राहुल गांधी थे, उनका जो बयान था वो मैं आपको सिर्फ पढ़ करके और बोल करके बताया बस। बाकी सोचना समझना ये जनता को सोचना है, समझना है कौन सही है कौन गलत है, किसे सत्ता में लाना है, किसे सत्ता से बाहर रखना है, ये जनता का काम होता है। हमारा काम होता है कि दोनों तरफ के बातों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर कल किसी अन्य मुद्दे पर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।